हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नदुल्ला जी के द्वारा लिखा गया है। यीशु मसीह से खून का रिश्ता। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 5 आयत में लिखा है, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि चींटियों से सीखो कि कैसे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं, ताकि जब सर्दियों में भोजन ना मिले तो उसको अंदर बैठकर खाया जा सके। और ना तो उनका कोई अगुआ होता है और ना ही कोई उनको सिखाने वाला होता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को करना जानती हैं। इसीलिए परमेश्वर के कहने का मतलब ये था कि वो अपने भविष्य के बारे में सोचती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, चींटियों से सीखो। मेरे प्रियो, अगर आप मत्ती अध्याय 1 उसकी 5वीं पद में पढ़ें तो लिखा है कि सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। क्या आप जानते हैं कि राहाब कौन थी? वो वेश्या थी यहोशू के समय में। यहोशू को मालूम होता है कि सामने का देश परमेश्वर हमें देना चाहता है। उसने भेदिये भेजे कि जाओ और देश का भेद लेकर आओ। और बाइबल कहती है, इसराइल के लोग जब उस देश का भेद लेने के लिए गए तो एक वेश्या का घर बिल्कुल सड़क के किनारे था, यानी उस नगर के बिल्कुल बाहर की तरफ, और नगर की दीवार थी वो उस औरत के घर के साथ लगी थी। मेरे प्रियो, वो जो औरत थी वो दुनिया की निगाह में वेश्या थी। वो एक अस्वीकृत औरत थी, लेकिन वो सुसमाचार को सुनाती थी कि यहोवा परमेश्वर ने क्या क्या किया, कैसे उसने समुद्र को दो भाग किया, कैसे परमेश्वर ने इसराइल के रास्तों को साफ किया, और जो जो राजा इसराइलियों के सामने आ रहा है परमेश्वर उन सबको खत्म करता जा रहा है। लेकिन जब एक दिन इसराइल के भेदिये आए तो उसने उन भेदियों को छुपा के रखा और किसी ने राजा को बता दिया कि शहर में भेदिये आए हैं उस शहर का भेद लेने के लिए, ताकि वो हमको मार सके। और राजा ने कहा, तूने उसे कहाँ पर देखा? राहाब ने कहा, वो आए तो थे पर अब वो चले गए, लेकिन तुम इस रास्ते से जाओ तो तुम उनको पकड़ लोगे। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने उन भेदियों को छत पर छिपा दिया था और उनके ऊपर लकड़ी सजा दी थी। और जैसे ही वो सिपाही गए, वह वेश्या ऊपर गई और उन इसराइलियों के भेदियों को बोला कि तुम भी पहाड़ पर भाग जाओ, 3 दिन वहीं छिपे रहना और 3 दिन के बाद अपने देश को चले जाना। लेकिन जाते जाते राहाब वेश्या ने कहा कि मेरा भला कर जाना, कि जब भी उस देश को लेने के लिए आओ या मारने के लिए आओ तो मुझे और मेरे घराने को मत मारना। उन भेदियों ने उससे कहा, ठीक है, ऐसा करना कि जो घर तेरा है उस पर लाल रंग का धागा बांध देना, और जितने लोग तेरे घराने, तेरे परिवार, तेरे रिश्तेदार उस घर में रहोंगे उनको हम नहीं मारेंगे और बाकी सारे हम मार देंगे। भेदियों ने कहा, जितने उस घर से बाहर होंगे उनका लहू तेरे सिर पर पड़ेगा, और यदि हम उस घर में से किसी को मारें तो उसका लहू हमारे ऊपर पड़ेगा। राहाब ने कहा, ठीक है, और राहाब ने अपने सभी कुटुंबियों को उस घर में बुला लिया और परमेश्वर ने सभी देश का नाश किया और राहाब को बचा कर रखा। परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया ही नहीं, बल्कि राहाब वेश्या को अपने खून के रिश्ते के साथ जोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि उसे ऊंचा भी किया। ऐसे ही परमेश्वर आपके साथ भी करने वाला है अगर आप उसके सुसमाचार पर विश्वास करें। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं पाप से बचा रहूं, ताकि आप मुझे राहाब वेश्या की तरह अपने खून के रिश्ते से जोड़ सके और मैं आप में फल ला सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।